नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है ललन टॉप की चुनावी यात्रा, जिसका एक पड़ाव इस वक्त मध्य प्रदेश के भोपाल में है। भोपाल को चुनने की कई वजहों में से एक वजह यहां के कांग्रेस कैंडिडेट और 10 साल तक सूबे के सीएम रहे दिग्विजय सिंह। बहुत सारे सवालों का आप ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, आज आखिरी दिन है। मैं भोपाल आया तो एक तस्वीर नज़र आई, एक बाबा हैं, कंप्यूटर बाबा, धूनी रमाए बैठे हैं आपके लिए। नेहरू वैज्ञानिकतावाद की बात करते थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात, और फिर ये तस्वीरें दिखती हैं। कोई प्रचार करने आता है तो उसको रोका नहीं जा सकता ना। आप पे तो इस तरह के विपक्षी खेमे इल्जाम भी लगाते रहे कि साहब दिग्विजय सिंह तो मौलाना दिग्विजय हैं, तो ये तस्वीर तो उसके उलट दिखती है। देख, विपक्ष क्या तस्वीर मेरी बनाता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जनता के बीच में हूँ और 45 साल से राजनीति कर रहा हूँ। और राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि मंडल की काट में, कमंडल की काट में या उसकी काट में कांग्रेस एक नई जनेऊ पॉलिटिक्स लेके आई है। उधर राहुल गांधी करते हैं, इधर दिग्विजय कभी नर्मदा परिक्रमा करते हैं, कभी नए सिरे से अपनी भक्ति साबित करते हैं। मैंने धर्म को कभी राजनीति में नहीं आने दिया। धर्म अलग है, निजी है, राजनीति जो है सार्वजनिक है। और कल एक पुराने भोपाल में बोल रहे थे, बोले इस बार राजा साहब बड़े सतर्क हैं, कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते जो चुनाव में खबर बने। मैं हमेशा सतर्क रहा हूं और बिना तथ्यों के कभी मैंने कोई बयान नहीं दिया। एक बात ये आई थी दिग्विजय सिंह जी कि भोपाल मुश्किल सीट है, मुख्यमंत्री ने आपको ऑफर कर दी सिटिंग यहाँ पर। परंपरागत रूप से काफ़ी वर्षों से ये भाजपा की सीट रही है और आपकी परंपरागत सीट रही है रायगढ़ की, राजगढ़ की। तो भोपाल चुनने की वजह ये आपकी पहली पसंद थी आला कमान की? मुझसे जब कहा गया कि आपको भोपाल से लड़ना चाहिए तो मैंने स्वीकार कर लिया। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये है कि चुनौती स्वीकार करना मेरी आदत है। दूसरा, भोपाल में 30 साल से भाजपा का सांसद है, पूरा तबाह कर दिया भोपाल शहर को। जो एक अच्छा हरा भरा शहर होता था, कंक्रीट जंगल होता चला जा रहा है। इसे अगर नहीं रोका गया तो भोपाल की जो भोपालियत है और भोपाल की जो एक गंगा जमनी संस्कृति है और साथ में जो इसका एक पोल्यूशन फ्री, एक प्रदूषण मुक्त एक माहौल है, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा चलिए इसको लड़ना ही चाहिए यहाँ से। पर सीट मुश्किल है, हर चुनाव मुश्किल होता है, कौन नहीं बात है। आपकी पुरानी प्रतिद्वंदी उमा भारती ने यहाँ आके बयान दिया था कि दिग्विजय को हराने के लिए तो भाजपा का एक मामूली कार्यकर्ता काफ़ी है। बहुत अनुराग है भाजपा वालों को आपसे, ये तो उनसे पूछे क्यों है। वो फिर जो एक टैग दिया गया था 2003 में बंटाधार का, उसका जिक्र करते हैं और बताने लगते हैं कि 10 साल में कितना क्या गड़बड़ी हुई। हम लोग यहाँ के जो बीजेपी कैंडिडेट हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका भी जो डॉक्यूमेंट देख रहे थे तो उसमें बहुत जिक्र था बार बार आपका। केवल एक बात पर, बिजली के मामले में वो मेरे खिलाफ बोलते हैं। कौन सी मेरी नीति है जिसके खिलाफ आज तक उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया हो? कौन सी? आज तक नहीं। बात करते हैं बिजली सड़क पानी। पानी का संकट नहीं था, बिजली का संकट इसलिए हो गया था क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया था। मैंने जितने पावर प्लांट्स बनाए वो अब प्रोडक्शन में आ गए, तो इसलिए। और एक पावर रिफॉर्म्स पर स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरी प्रशंसा की थी चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में। इसलिए प्रश्न इस बात का है, ठीक है, 15 साल में इन्होंने क्या किया? 15 साल में तबाह कर दिया इस प्रदेश को। डंपर घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, अवैध रतन रेत खनन घोटाला, सिंहस्थ घोटाला, सिंहस्थ के धार्मिक उसमें आयोजन में भी ये लोग पैसा खा गए। कौन इसका जवाब क्यों नहीं देते ये लोग? उनका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जी ये सब इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं तो हम लगातार सत्ता में कैसे आते गए और इस बार भी मामूली अंतर से ही चूके, ये वो सफाई में कहते हैं। ये तो पता पड़ जाएगा, चुनाव हो जाने दीजिए, FIR सब पे दर्ज हो रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। लोग कह रहे हैं ये तो एक पड़ाव है, दिग्विजय फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। इस तरीके की चर्चा हर कूचे में और आपके समर्थकों के बीच खासी व्यापक है। मैं अगर मुख्यमंत्री बनना चाहता तो मैं कमलनाथ जी को समर्थन ही नहीं करता, लेकिन कमलनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं। 5 साल पूरे करेंगे? निश्चित तौर पे करेंगे और बाद में भी सेकेंड टर्म भी लेंगे। पर संगठन की भाषा में कहूँ, अगर आला कमान तय ही कर लेंगे अब? ना, आला कमान से मैं माफ़ी मांग लूँगा।
अच्छा, एक माफ़ी है जो यूपी की जनता, हम अभी उत्तर प्रदेश से आए, उन्होंने कहा कि साहब आज ज्योतिरादित्य आए हैं, 10 बरस पहले दिग्विजय जी आए थे संगठन की कमान संभालने, कांग्रेस से यूपी का कोड क्यों नहीं क्रैक हो रहा? हो गया था मेरे समय, 22 एमपी चुनाव जीत के 2009 में लोकसभा विधानसभा में भी सीटें बड़ी कम बड़ी, लेकिन हम लोग लगभग 150 सीट पर 25,000 से ज़्यादा वोट पाए थे, तो टैली 30 के ऊपर नहीं गई थी। हाँ, 30 हुई थी, हम लोग 19 थे उससे 30 हुई थी। तो जहाँ भी मैं गया मैंने वोट बढ़ाए हैं, कम नहीं करे। पर वो मैं सवाल सर ये है कि कांग्रेस देख ऐसा वोट क्यों नहीं क्रैक कर पा रही? इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि रीजनल पार्टीज वहाँ पे मजबूत है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिग्विजय सिंह भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी, और कई लोगों का कहना है कि केंद्र या राज्य में एक बड़ी भूमिका के इंतजार में। आप देख रहे हैं thelallantop.com। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।